में पूरा करते हैं, उसकी स्टूडेंट हूं और पिछले एक साल से मैं सीख रही हूं। ये कैसे हुआ ये समझना बहुत जरूरी हो गया था मेरे लिए। हाउ इज इट पॉसिबल कि इतने साल से मैं कुछ ना कुछ कोशिश कर रही हूं ताकि मैं अपने वेट को मैनेज रख सकूं, और घर बैठे बैठे केवल कोविड से बचने के लिए अगर हम लोग इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो ऐसा कुछ भी आपके साथ हो सकता है। तो इसको समझने के लिए देखिए, ये हमारा कंपैरेटिव फोटो है। हम सबको दिखाते हैं कि अगर 2019 में 38 की उम्र में हम समवेयर अबाउट 45 या 50 के दिख रहे हैं, और 2022 में विद इन 2-3 ईयर्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ कंटिन्यूसली गैनोडर्मा, मतलब रेगुलर यूज, यहां वहां गैनोडर्मा ले लेना अलग बात है, लेकिन रेगुलरली गैनोडर्मा खाने से क्या रिजल्ट आता है, ये जो आप देख रहे हैं आपके सामने, ये प्रमाण वेट लॉस का नहीं है, एज रिवर्सल का है। ठीक है, तो ये जब हुआ तो मेरे लिए ये बहुत जरूरी हो गया था ये समझना कि ये वजन का प्रॉब्लम लोगों को होता क्यों है। ठीक है, तो आप सब में से कितने लोग ये जानना चाहते हैं कि वजन बढ़ता घटता क्यों है? ठीक है, तो योगी की स्टोरी से एक बात तो क्लियर हो गई है ना आप सबको कि बाहर मार्केट में हमें अपने प्रोडक्ट को पोजीशन कैसे करना है। तो कितने लोग बाहर इस प्रोडक्ट को एज अ वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन बेचना चाहते हैं? गुड, तो आपके आप सभी के लिए फिर वो जरूरी होगा ये समझना कि वजन बढ़ता और घटता क्यों है। ठीक है, इसमें ये वजन बढ़ने और घटने की जो समस्या है, ये क्या हो रहा है कि लोग एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं कि आप खाना कम कर दीजिए और अपनी व्यायाम को बढ़ा दीजिए। ये आप लोगों ने सुना होगा, राइट? अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका वजन, जिनका वजन बहुत ज्यादा है उनका वो घट जाएगा, और जो लोगों का वजन नहीं बढ़ रहा है उनसे कहा जाता है कि आप न्यूट्रिशियस खाना को बढ़ा दीजिए। सुना है आपने? तो ये जो सलाह है वो 3 से 4 महीने काम आती है, मतलब पहले 2 महीने काम करती है लेकिन तीसरे चौथे महीने काम नहीं करती है, और फिर 5वें महीने से वापस उनका वजन वहीं पे आके रुकना शुरू कर देता है जहां से उन्होंने शुरू किया था। ये आपने देखा है, नोटिस किया है? कोशिश करने वाले कितने लोग हैं यहाँ पे डाइटिंग और एक्सरसाइज? कितने लोग अपने वजन को घटा पाए हैं, मैनेज कर पाए हैं, घटा पाए हैं रेगुलर यूज ऑफ प्रोडक्ट? एक्सीलेंट। और कितने लोगों का वजन बार बार बढ़ जा रहा है, बढ़ जा रहे हैं, ये हो रहा है सबके साथ? तो आप सबके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि कल को उठ के जब ये प्रोडक्ट्स आप मार्केट में लेके जाएंगे तो आप ऐसे अपने जैसे बहुत सारे लोगों से मिलने वाले हैं जो इस प्रॉब्लम से ग्रसित है कि उनका जो वजन है वो बार 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 बढ़ जा रहा है, या फिर जो लोग मसल पुट ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं उनका भी वजन बार बार वहीं पे आके रुक जा रहा है जहां पे पहले था। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे हम वेट बूमरैंग। तो सबसे पहले हम वेट बूमरैंग के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट, अगर इस वेट बूमरैंग का जो प्रॉब्लम है इसमें हार्मोन, मतलब कि हमारे शरीर में हार्मोन नामक केमिकल्स हैं जो एक मैसेजिंग सिस्टम है। हार्मोन्स के बारे में सबको पता है, सुना है आप सबने?
ठीक है, जिन्होंने नहीं सुना है उनके लिए बहुत सिंपली मैं बता देती हूँ। जैसे कि हमारे शरीर के अलग अलग अंग होते हैं, जैसे ब्रेन, हृदय, देन लिवर, किडनी, ये सब के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए हमारा शरीर एक केमिकल निकालता है जिसे हम हार्मोन कहते हैं। और वैसे बहुत सारे हार्मोन्स हमारे शरीर में होते हैं, एक नहीं दसों टाइप के हार्मोन्स हमारे शरीर में हैं, ओके। और ये जो हार्मोन्स हैं एक तरह का व्हाट्सएप मैसेजिंग सिस्टम है जो हमारे शरीर के अंगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है, ठीक है। तो हार्मोन का संतुलन में रहना उतना ही जरूरी है जितना कि आपके सभी शरीर के अंगों का साफ सुथरा और हेल्दी रहना। सुना है ना, डॉक्टर बताते हैं कि हार्ट को हेल्दी होना चाहिए, आपका स्टमक भी आके हेल्दी होना चाहिए, लंग्स हेल्दी होने चाहिए, वैसे ही आपके हॉर्मोन्स का भी संतुलन में रहना बहुत जरूरी है। तो ये हॉर्मोन्स का और वजन के घटने और बढ़ने का कोई संबंध है या नहीं है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। बाद में हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि ये जो विषैले पदार्थ है यानी कि टॉक्सिन्स, जो डीएक्सएस के लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं टॉक्सिन के बारे में, राइट। तो ये टॉक्सिन्स का और हॉर्मोन्स का कुछ लेना देना है या नहीं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और ये टॉक्सिन्स का और वजन का कुछ लेना देना है या नहीं, इसके बारे में आप सब जानना चाहेंगे। yes. जानना चाहेंगे, राइट। और फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे आंतों के सूक्ष्म कीटाणुओं के बारे में, जो कि एक लेटेस्ट साइंटिफिक स्टडी है जिसके बारे में पश्चिम के डॉक्टर्स वेस्टर्न डॉक्टर्स बहुत बात कर रहे हैं। टू मेनी न्यू साइंटिफिक रिसर्चर्स हैव कम एंड इवन इंडियन डॉक्टर्स, इंडिया में भी बहुत सारे डॉक्टर्स आंतों के जो सूक्ष्म कीटाणु हैं यानी कि गट माइक्रोबायोम्स, सुना है आप लोगों ने, ये गट माइक्रोबायोम्स के बारे में इतनी बातें क्यों हो रही है और क्या वाकई में इसका और वजन से कुछ लेना देना है नहीं, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम वजन को कैसे नियंत्रण में रख सकते हैं और हमारे बॉडी को कैसे डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं और हार्मोन को कैसे संतुलन में रख सकते हैं, इसके बारे में भी हम आखिरी में बात करेंगे। लेकिन एक सवाल है आप लोगों के लिए, क्या है डीएक्सएन में जिससे हमारा हार्मोन संतुलन में आ सकता है? गैनोडर्मा, पता है आप लोगों को? नोनी गिव्स हार्मोनल बैलेंस, यू ऑल नो दैट, ग्रेट। डिटॉक्स कहाँ से आता है? आरजीजीएल से आता है, सबको पता है। और जो गट माइक्रोबायोम्स हैं उसके लिए क्या डीएक्सएन में कोई प्रोडक्ट है? कंबुचा के बारे में सबको पता है, बिग हैंड फॉर कंबुचा, बिग हैंड फॉर सर। तो आप सबको कंबुचा के बारे में पता है, ओके, एक्सीलेंट। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि काफी सारी चीजें ट्राई करने के बाद भी, जैसे कि डाइट ट्राई कर रहे हैं, कोई प्रोटीन पाउडर्स ट्राई कर रहा है, खुद योगी भी बहुत सारे प्रोटीन पाउडर्स ट्राई कर चुके हैं। जो आपको फोटोज दिखाए जा रहे थे पहले के, जहाँ पे योगी बता रहे थे कि एक साल के लिए वो रिसर्च कर रहे थे, तो वो केवल रिसर्च नहीं कर रहे थे, वो बाहर के सप्लीमेंट्स और प्रोटीन पाउडर्स भी यूज कर रहे थे, क्योंकि वो रेगुलर एक्सरसाइज भी कर रहे थे ताकि अपने वजन को वो घटा सके। तो पढ़ाई कर रहे थे और उसके हिसाब से जो सप्लीमेंट शरीर के लिए जरूरी है वो भी वो खरीद के खा रहे थे, और इसके साथ साथ जो एक्सपर्ट्स बताते हैं जैसे कि खाने को कम करिए और व्यायाम को ज्यादा बढ़ाइए वो भी वो कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनका वजन घट नहीं रहा था, और अगर घट भी रहा था तो बार बार बढ़ जा रहा था। तो ये जो वेट बूमरैंग की प्रॉब्लम है ये एक्चुअली क्यों होती है, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, आफ्टर पहली बात तो हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम से बहुत लोग ग्रसित हैं, क्योंकि काफी सारे लोग बोलते हैं हमसे जो हमारे प्रोटोकॉल ले रहे हैं और इससे पहले ले चुके हैं, वो काफी सारे लोग ये बताते हैं कि उन्होंने अपना खाना काफी हद तक कम कर दिया है, मतलब उनको लगता है कि वो खाना ऑलमोस्ट पहले से काफी ज्यादा कम खा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनका वजन घट नहीं रहा है। ये सुना है आप लोगों ने कुछ लोगों के साथ ऐसा होते हुए, ओके। सो बेसिकली ये वेट रीगेन की जो इश्यू है, हमने नोटिस किया है कि लोगों को जब होती है
दे ऑल्सो कम्प्लेन करके उन्होंने खाना काफी कम कर दिया है, लेकिन फिर भी उनका वेट कम नहीं हो रहा है। तो हमने जो रिसर्च किया है उसके हिसाब से, जैसे यहाँ पे मैंने डॉक्टर जेसन फंग की स्टडी दिखा रही हूँ मैं आपको, इस स्टडी के हिसाब से डॉक्टर जेसन फंग जो एक नेफ्रोलॉजिस्ट है कनाडा के, वो बताते हैं कि लोग जो ईट लेस एक्सरसाइज मोर कर रहे हैं, यहाँ पे इनका ग्राफ दिखाया उन्होंने, और जो लोग नॉर्मल डाइट कर रहे हैं उनको पहले 2 महीने रिजल्ट आता है, लेकिन समवेयर अबाउट 3rd और 4th मंथ उनको रिजल्ट आना बंद हो जाता है, और 9th मंथ में उनका वजन वहीं पे आगे रुक जाता है जहां पे नॉर्मल डाइट वालों का है। ठीक है, तो मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो ईट लेस एक्सरसाइज मोर की सलाह दी जा रही है बाहर, जो फिटनेस के एक्सपर्ट्स आपको बता रहे हैं, वो फेल हो रहा है, मतलब सिस्टम फेल हो रहा है। और ये चीज खुद डॉक्टर्स आज अग्री करते हैं और अपने रिसर्च में इसको बता रहे हैं, अपनी स्टडी में इसको बता रहे हैं कि जो ईट लेस एक्सरसाइज मोर की जो प्रॉब्लम है वहां पे बंदा फेल नहीं हो रहा है, लेकिन जो कर रहा है वो फेल नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो सलाह है ये सिस्टम वो फेल हो रहा है। और इसके 4 कारण हैं। सबसे पहली बात तो मेटाबॉलिज्म ये स्लो करता है, मतलब अगर आपका वजन एक लेवल के बाद घट नहीं रहा है, मतलब ऑब्वियसली आपका मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं स्पॉइल हुआ है या स्लो हो रहा है। दूसरा, ये आपको थकान ज्यादा देता है, मतलब जब आप ज्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं और अपने खाने को कम कर देते हैं तो आपको थोड़े दिन बाद थकान ज्यादा महसूस होती है। और तीसरा, यानी कि अधिक भूख लोगों को इसलिए लग रही है क्योंकि लोग अपने डाइट में से इम्पोर्टेंट फूड आइटम्स जैसे कि घी, तेल, इम्पोर्टेंट फैट्स अपने डाइट में से सबसे पहले कट करते हैं। राइट, जब आपको डाइटिंग स्टार्ट करनी होती है तो सबसे पहले आप कौन सी चीज को कम करते हैं? तेल, घी वगैरह सब आप बिल्कुल जीरो कर देते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा कैलोरीज उसमें है, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए जरूरी है क्योंकि उनसे लेप्टिन की उत्पत्ति होती है और हमारे शरीर को वो सिग्नल मिलता है। लेप्टिन भी एक हार्मोन है हमारे शरीर का, और हमारे शरीर को वो सिग्नल मिलता है कि आपने खाना खा लिया है, और वो तृप्ति का सिग्नल देता है। तो जब आप हमारे अपने खाने से तेल और घी को निकाल देते हैं तो आपके शरीर को वो तृप्ति का सिग्नल ही नहीं मिलता और आपको पता ही नहीं चलता है कि आपने खाना खा लिया है। ठीक है, इसीलिए अधिक भूख लगने वाली प्रॉब्लम होती है उन लोगों को जो लोग अपने खाने को कम करने के चक्कर में तेल, घी वगैरह जैसे अच्छी खाने के पदार्थ निकाल देते हैं और केवल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का डाइट कर रहे हैं, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको वो तृप्ति का सिग्नल नहीं दे सकती है। 4th प्रॉब्लम हमने देखा है कि इसके कारण लोगों को बार बार खाने का मन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि भूख ज्यादा लग रही है और बार बार खाने की सलाह भी दी जा रही है। तो ये जो ईट लेस एक्सरसाइज मोड देने का सजेशन देने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये भी बोलते हैं कि अगर आपको बार बार भूख लग रही है तो आप बार बार खा लीजिए, बस अपनी कैलोरी को मत बढ़ाइए। मतलब अगर आप अपना ब्रेकफास्ट इतना क्वांटिटी कर रहे हैं और लंच को भी इतना क्वांटिटी कर रहे हैं तो आप इसको स्प्लिट कर दीजिए और आप थोड़ी थोड़ी देर में आप खा लीजिए, बस केवल अपना कैलोरी मत बढ़ाइए। ठीक है, मतलब चने चबा लीजिए, आप पीनट्स ले लीजिए, नट्स खा लीजिए, और क्योंकि फ्रूट्स एक बहुत अच्छा स्नैक है, हेल्दी स्नैक है, तो हेल्दी स्नैक के नाम पे आपको बोल रहे हैं कि पूरे दिन में बीच बीच में जब भी आपको भूख लग रही है तो आप एक फ्रूट खा लीजिए। सुना है आपने ये? सुना है? तो ये जो बार बार खाने का जो सलाह दिया जा रहा है, क्या वो सही है? सही है? आपके हिसाब से नहीं है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुद के लिए ताली बजाइए, क्योंकि हमारा सिस्टम बना ही नहीं है कि हम बार बार खाना खाएं। हमारा सिस्टम 3 या 2 बार ही खाने के लिए रेडी है और हमें बैठ के एक साथ अपना 3 टाइम का मील या फिर 2 टाइम का मील लेना चाहिए। ठीक है, तो आपको जो कुछ भी खाना है आपका 3 टाइम के खाने के अंदर आ जाना चाहिए। आपकी बीच की चाय की कॉफी, ये चीनी मिला के, दूध मिला के चाय, कॉफी, समोसे नहीं होना चाहिए। अगर आपको मन कर रहा है तो आप उसको एक ही टाइम में आपके लंच के टाइम पे बैठ के खा लीजिए या फिर समोसा बचा के रखिए, रात को डिनर में बैठ के खा लीजिए, लेकिन बीच बीच में आपको नहीं खाना है, क्योंकि ये बीच बीच में खाने की जो प्रॉब्लम है उससे ही फ्यूचर में वेट इंक्रीज होने की, मतलब वजन बढ़ने की प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं 2 कंपार्टमेंट प्रॉब्लम, यानी कि जो हमें लगता है कि अगर हम लोग
कम खाना खाएंगे और ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर जो चर्बी जमा है वहां से हमारा शरीर उसको बर्न करेगा, राइट? यही लॉजिक है ना। लॉजिक क्या है? शरीर हमारा दो फ्यूल्स पे चलता है, दो फ्यूल्स यानी कि जैसे पेट्रोल डीजल पे भी चलती है गाड़ी, सीएनजी भी चलती है, राइट? वैसे हमारा शरीर ग्लूकोज पे भी चलता है और चर्बी यानी कि फैट्स पे भी चलता है। लेकिन फैट्स हमें कभी कभी खाने से मिलता है और मोस्टली हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी जो फैट डिपॉजिट्स हैं वहां से मिलता है। ग्लूकोज कहाँ से मिलता है? जब खाना पाचन हो जाता है तो ग्लूकोज बनता है, ठीक है? और अगर वो ग्लूकोज यूज नहीं होगा तो हमारा शरीर उसको एज अ फैट स्टोरेज रखेगा, ठीक है? लेकिन अगर हम कम खाना खाएंगे तो लॉजिक ये है, और कम खाना खाके ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर जो चर्बी के डिपॉजिट्स हैं वो बर्न होंगे, वो लॉजिक है, राइट? तो पहले एक दो महीने तो ये काम करता है, लेकिन तीसरे महीने ये काम नहीं करता है, क्योंकि हमारा शरीर इतना सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, ठीक है? ये बायोलॉजी है, ये हमारा शरीर हार्मोन से बना है और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट मशीन है। यानी कि अगर आप अपने खाने को कम भी करेंगे तो इंसुलिन नाम का हार्मोन आपके खाने में से, क्योंकि आपने अपना खाना कम कर दिया है तो इंसुलिन क्या सोचता है कि शायद आपके लाइफ में कोई टफ सिचुएशन आ गया है, राइट? क्योंकि ये जो हमारा हार्मोन है ये किसके लिए डिजाइन है? बहुत हजारों साल पहले डिजाइन हो चुका है, ये नया शरीर नहीं है, हमारा शरीर काफी हजारों साल पहले डिजाइन हो चुका है। तो पहले जमाने में कभी कभी हमें खाना नहीं मिलता था, राइट? हमें जंगलों में भाग दौड़ के फिर शिकार करके फिर हमें खाना मिलता था, या फिर यहाँ वहाँ फल अगर मिल जाए तो हमें खाना मिलता था। तो ऐसे भी दिन होते थे पहले जमाने में कि कुछ कुछ दिनों के लिए आपको खाना नहीं मिलेगा, तो उस वक्त क्या शरीर मर जाता था? नहीं, उस वक्त जब खाना नहीं मिल रहा है तो चर्बी के डिपॉजिट में से उसको बर्न करके हमारे शरीर को जिंदा रखा जाए, उसके लिए शरीर डिजाइन है। तो इसके लिए इंसुलिन क्या करता है? अगर आपके शरीर में एक्सेस ग्लूकोज आ गया है जो आप इमीडिएटली मतलब खाना पाचन होते ही पूरा का पूरा ग्लूकोज तो आप यूज नहीं कर सकते ना, राइट? जो एक्सेस ग्लूकोज है वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है और फिर इंसुलिन उसको लेके एज अ चर्बी का डिपॉजिट आपके बॉडी में स्टोर करता है। तो जब आप ईट लेस एक्सरसाइज मोर कर रहे हैं और कंटिन्यूसली इस चीज को एक दो महीने तक कर रहे हैं तो शरीर को लगता है कि हार्मोन इंसुलिन को लगता है कि कहीं आपके एरिया में आकाल तो नहीं आ गया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई कि क्यों आपको खाना कम मिल रहा है और आपकी भागा दौड़ी क्यों इतनी ज्यादा हो गई है। तो वो क्या करता है, आपका शरीर का बचाव करने के लिए फिर भी चर्बी के डिपॉजिट करना शुरू करता है, ठीक है? तो इसीलिए चौथे महीने से आपका शरीर फिर भी उतना डिपॉजिट करेगा जो आपके शरीर का लिमिट है, क्योंकि ऑलरेडी अगर इंसुलिन आपका इंबैलेंस में है तो ये और भी ज्यादा डिपॉजिट्स करेगा, ठीक है? तो जब ये डिपॉजिट करता है कम खाने में से भी अगर वो फैट डिपॉजिट कर रहा है तो आपकी आउटपुट एनर्जी और भी कम हो जाती है। यही रीजन है कि क्यों लोगों को ज्यादा थकान महसूस होता है, राइट? तो जैसे कि मैंने आपसे कहा इंसुलिन तो केवल एक हार्मोन है जो इस तरह से आपके चर्बी के डिपॉजिट्स बनाता है, लेकिन हमारा शरीर जो एंडोक्राइन सिस्टम है हमारा उसमें ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो चर्बी के डिपॉजिट्स बना के आपके शरीर को बचाव करता है, ठीक है? तो ये जो हार्मोन्स हैं हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं, ये जो डिपॉजिट्स वो बना रहा है हमारे शरीर का बचाव करने के लिए वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन कुछ हार्मोन्स ऑलरेडी इम्बैलेंस में है। यही कारण है कि क्यों चर्बी के डिपॉजिट्स ज्यादा मात्रा में ऑलरेडी पहले से थे या आ रहे हैं, और अगर हमें हमारे शरीर को बैलेंस में लाएंगे या हमारे हार्मोन को बैलेंस में लाएंगे तो ही हमारे चर्बी के डिपॉजिट कम होने लगेंगे। लेकिन जब हम ईट लेस एक्सरसाइज मोर या फिर प्रोटीन शेक्स या फिर ऐसे सप्लीमेंट्स लेते हैं जिससे हम पतले हो सके लेकिन हम हमारे हॉर्मोन्स के बारे में कुछ नहीं करते हैं तो हमारा शरीर क्या होता है, पतला होने के बाद वापस तीन चार महीने में वापस कहाँ आ जाता है, सेम टू बैक टू नॉर्मल, पहले वाला बेसल वेट में आ जाता है, क्योंकि हमने हमारे हॉर्मोन्स के लिए कुछ किया ही नहीं, ठीक है?
तो जब हम देखते हैं कि लोगों की शरीर हार्मोनल इम्बैलेंस में आती है तो उनके अलग अलग टाइप के बॉडी टाइप्स होते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को इस्ट्रोजन इम्बैलेंस है, मतलब मेनोपॉज में आने के बाद लेडीज को आफ्टर अ सर्टेन एज हिप एरिया में ज्यादा वेट होने लगता है। कुछ लोगों को स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोनल इम्बैलेंस है, मतलब अगर आप उनको देखेंगे जो स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, पूरे घर का मतलब पूरे घर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने शोल्डर पे लेके चलते हैं, वैसे लोगों का मिड बॉडी में उनका वेट ज्यादा रहता है। कुछ लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम है, ये तो आपने देखा ही होगा, तो थायराइड के लोगों को मोटापे की भी प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा पतला होने की भी प्रॉब्लम है। तो मतलब आप जो भी ले लीजिए बॉडी टाइप, इस पे डिपेंड करता है कि आपका कौन सा हार्मोन इम्बैलेंस में है। तो ये हार्मोन इम्बैलेंस में जा क्यों रहा है? अगर पहले के जमाने में हार्मोन्स बैलेंस में था तो आज के जमाने में हार्मोन इम्बैलेंस में जा क्यों रहा है? तो ऑब्वियस है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन शैली में या लाइफस्टाइल में कोई बदलाव आया है। तो क्या क्या बदलाव आए हैं हमारे जीवन शैली में? एक तो ये पाया गया है कि ये जो सारे अलग अलग टाइप के बॉडी टाइप्स हैं जहां पे हार्मोनल इम्बैलेंस आ रहे हैं, जो स्ट्रेस और टॉक्सिन्स के कारण आ रहे हैं। तो ये स्ट्रेस और टॉक्सिन्स हमारे जीवन में आए कैसे? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले के जमाने में हम जंगलों में रहते थे, लेकिन आज सिविलाइजेशंस हैं, राइट? हम घरों में रहते हैं, नए नए टाइप के गेहूं चावल जैसे ग्रेन्स को क्या बोलते हैं? अनाज। नए नए टाइप के अनाज हमारे एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के कारण हमारे लाइफ में आ गए हैं, राइट? पहले हमारे लाइफ में अनाज नहीं थे, अग्रीड? अगर थे भी तो ज्वार बाजरा रागी ऐसे थे, राइट? वीट राइस वगैरह नहीं था, राइट? फिर ऐसे ऐसे अनाज आ गए। दूसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या आया? हवा और पानी में प्रदूषण। तो जो पानी हम पी रहे हैं, जो हवा हम ब्रीथ कर रहे हैं, उसमें काफी हद तक उसमें टॉक्सिन्स थोड़ी 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 मात्रा में मिलने लगे, जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं। देखिए, वो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं जा रहे हैं, आपको एक भी टॉक्सिन एक दिन में नहीं मारने वाला है, इसीलिए आपको इस बात का एहसास नहीं है और लोगों को खासकर होता भी नहीं है। लेकिन जब हम साइंटिफिक रिसर्च खोलते हैं तो हर टॉक्सिन का किसी न किसी बीमारी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाते हैं। तो इसमें से कुछ टॉक्सिन्स के बारे में मैं आपको बात करने वाली हूँ। लेकिन बदलती जिंदगी के साथ हमारे खाना और पीने में भी फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स ऐसे भी पदार्थ, जहरीले पदार्थ और टॉक्सिन्स आने लगे। फिर ग्लोबलाइजेशन आया तो हमारे लाइफ में प्लास्टिक आ गया, हमारे लाइफ में प्रिजर्वेटिव्स आ गए और टैलेट्स, पैराबेंस, मेकअप, परफ्यूम, डीओ, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स आ गए। और हमारे बच्चों के लिए तो और भी मुश्किल है, क्योंकि वो तो हाथ में फोन लेके पैदा हुए, तो उनके लाइफ में बचपन से ही रेडिएशंस आ गए, ठीक है। तो अब इनका और वेट का कुछ लेना देना है क्या, वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं विषैले पदार्थ के बारे में बात करना चाहूंगी। ये है सुक्रलोज, ठीक है। ये एक स्टडी है डॉक्टर डंड्री स्टीवन की। ये जो डॉक्टर है वो गट माइक्रोबायोम्स और प्लांट पैराडॉक्स जैसी काफी सारी किताबें लिख चुके हैं, जहां पे वो बता रहे हैं कि सुक्रलोज यानी कि शुगर फ्री आर्टिफिशियल शुगर का नाम सुना है आप लोगों ने, तो वो नॉन न्यूट्रिटिव शुगर है जो हम लोगों को देते हैं ताकि उनका शुगर स्पाइक ना हो जाए, ठीक है। लेकिन आजकल ये सुक्रलोज पाया जाता है खासकर प्रोटीन पाउडर्स में, राइट? आप कोई भी प्रोटीन पाउडर का डब्बा उठाइए और उसको घुमाइए और उसके पीछे देखिए कि कितना ग्राम उसमें सुक्रलोज है, और अगर 6 ग्राम से ऊपर है तो बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि डॉक्टर गंधरी ये कहते हैं कि अगर 1 ग्राम भी सुक्रलोज आपके शरीर के अंदर जाता है तो वो आपके 50% तक के नॉर्मल गट माइक्रोबायोम्स को नष्ट कर देता है, 50% तक। और ये गट माइक्रोबायोम्स क्यों जरूरी है? गट माइक्रोबायोम्स यानी कि आंतों के अंदर जो हमारे सूक्ष्म कीटाणु हैं, वो हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, थोड़ा इसके बारे में बात करें, ठीक है। तो हमारे शरीर में ना बहुत सारे सूक्ष्म कीटाणु हैं, हमारे स्किन, और सबसे ज्यादा सूक्ष्म कीटाणु हमारे आंतों के अंदर जीवित हैं। ये सूक्ष्म कीटाणु यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस वगैरह सारे बुरे कोई नहीं है, बहुत कम बुरे होते हैं, खासकर ये सारे अच्छे हैं हमारे शरीर के लिए और जरूरी है। टू वॉट एक्सटेंट, ये सूक्ष्म कीटाणु हमारे शरीर का 57% सेल
काउंट है, मतलब कि अगर आप ह्यूमन सेल, ह्यूमन का जो सेल है उस सूक्ष्म कीटाणु के सेल से अगर आप कंपेयर करेंगे तो हमारे शरीर में 57% सूक्ष्म कीटाणु है, केवल 43% ह्यूमन सेल है। ह्यूमन सेल जिससे कि हमारा ब्रेन बना है वो केवल 43% है। तो ये देखने के बाद भी आपको लगता है कि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है? किसके कंट्रोल में है? इन सूक्ष्म कीटाणुओं के कंट्रोल में है। मीनिंग स्टडी ये बताता है, देखिए आप अभी ना मार्केट में जाने वाले हैं, मार्केट में आप प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बात करने वाले हैं, ठीक है? तो आप लेटेस्ट स्टडी के साथ जाना चाहते हैं या पुरानी स्टडी? लेटेस्ट स्टडी के लिए साथ जाएंगे या? तो जूम प्रोग्राम जरूर आइए, क्योंकि इसके बारे में मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताती हूँ कि ये क्यों जरूरी है इसको मैनेज करना, क्योंकि ये जो सूक्ष्म कीटाणु है लेटेस्ट स्टडी ये बताता है कि ये सेकेंड माइंड है हमारे शरीर का, सेकेंड माइंड यानी कि ये हमारे शरीर का ये डिसाइड करेगा कि हमारा वजन क्या होना चाहिए, हमारा मूड कैसा होना चाहिए, आज हमें क्या खाना चाहिए, आज मेरा क्या मन कर रहा है, ये चीज हमने डिसाइड करते हैं, ये सूक्ष्म कीटाणु डिसाइड करते हैं। टू द एक्सटेंट कि हमारा जो हार्मोन का बैलेंस है वो भी ये सूक्ष्म कीटाणु डिसाइड करते हैं। कुछ समझ आई बात? तो इन सूक्ष्म कीटाणुओं का एक बैलेंस में जीवित रहना बहुत जरूरी है। ऐसे कोई भी प्रोडक्ट आप शरीर में ना डालें जिससे ये सूक्ष्म कीटाणु मर जाते हैं। थोड़ा इनके बारे में आप पढ़िए और जूम का अवेयरनेस प्रोग्राम अटेंड करिए, वहां पर मैं सारा इन्फॉर्मेशन बताती हूँ। और अगर आप गूगल करके देखेंगे सुक्रलोज एंड आंतों के माइक्रोबायोम या फिर गट माइक्रोबायोम्स, तो आपको स्टडी आफ्टर स्टडी मिलेगा कि किस तरह से सुक्रलोज बहुत हानिकारक है और सबसे बहुत ही खराब टॉक्सिन है बॉडी के लिए, ठीक है? और इसके अलावा काफी सारे टॉक्सिन्स है जैसे कि प्लास्टिक्स, और क्या देखा गया है कि एक नहीं दसों जातियों की बीमारियां आपको हो सकती है, एक अंग नहीं दसों अंगों को वो अफेक्ट कर सकता है, इतना भयानक है केवल प्लास्टिक। और प्लास्टिक जैसे और कितने हैं? थैलेट्स हैं, यानी कि परफ्यूम सुगंध देने वाले जो केमिकल आते हैं अपने शैम्पू में, साबुन में, क्रीम में, फिर बर्तन मांजने का जो साबुन है उसमें, फ्लोर क्लीनर में, सब में हमको खुशबू चाहिए, राइट? तो ये खुशबू कहाँ से आती है? थैलेट्स से आती है। तो ये थैलेट्स और पैराबेंस जो लेडीज के मेकअप में ज्यादातर पाया जाता है, तो अगर यहाँ पे महिलाएं हैं जो मेकअप बहुत यूज कर रही हैं, तो मैं आपको मेकअप नहीं यूज करिए नहीं बोलूंगी, लेकिन मेकअप डालने से पहले ऋषि पाउडर लगा लीजिए, हाँ, और मेकअप को उतारने के लिए कोकोनट ऑयल यूज कर लीजिए, और मेकअप अगर आपको पसंद है तो आप लगाइए, 100 RGGL एक्स्ट्रा खा लीजिए ताकि पैराबेंस के बुरे इफेक्ट्स आपके शरीर से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है? और ऐसे बहुत सारे है, इवन गेहूं में भी बीज जमाग्लुटिन नाम का एक टॉक्सिन पाया जाता है, इसके बारे में मैं आपको आई विल टेल यू इन जूम प्रोग्राम। बीज जमाग्लुटिन से बचना जरूरी है। ऐसे बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं जो हमारे खाने का एक भाग है, क्योंकि ये ग्रेन्स और ये अनाज पहले हमारे खाने का भाग नहीं थे। अगर हो सके तो ज्वार, बाजरी, रागी जैसा खाना खाइए, और गेहूं से और चावल से थोड़ी दूरी रखिए। नहीं खाना है नहीं बोल रही हूँ, आलू पराठा सबको पसंद है, खाना चाहिए, लेकिन साथ में 10 RGGL ले लेना चाहिए, ठीक है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये सारे एंडोक्राइन सिस्टम डिसरप्टर्स हैं, ये सारे केमिकल्स, इससे ही आपका हार्मोनल इम्बैलेंस आता है और उसके कारण आपको अलग अलग जाति के बीमारियां फ्यूचर में आ सकती है, जिसमें से एक है ओबेसिटी, मतलब मोटापा आना, ठीक है? इवन पतला, ज्यादा पतला हो जाना भी, मतलब बॉडी शेप इस पे डिपेंड करता है। तो अगर कोई आपको आके बोल रहा है कि मैडम जी मैं वही साबुन यूज करता है जो मेरी पत्नी यूज कर रही है, वो क्यों मोटी हो रही है और मैं क्यों पतला हूं, तो बोल देना उनको कि उसके शरीर पे तो दिख रहा है, आज उसके बारे में वो कुछ कर सकती है, तुम्हारे शरीर में दिख भी नहीं रहा है, स्कैनिंग करके देखना पड़ेगा कहाँ पे तुमको बीमारी आने वाली है, ठीक है? तो आप उनको हेल्प करें और उनको बताए करके उनको नेचर्स अमेजिंग गिफ्ट ऑफ डीएक्सएल दीजिए, ठीक है? सो बिग हैंड फॉर डॉक्टर लिम, क्योंकि 30 साल पहले ही डॉक्टर लिम ने गैनोडर्मा आप सबको पता है ऋषि मशरूम, 5000 साल पुराना एक ऐसा जादुई नहीं दैविक बोलना चाहिए, इट इज अ
किंग ऑफ हर्ब जिसको उन्होंने एक्सट्रैक्ट निकाल के आरजी और जीएल के फॉर्म में पाउडर करके फिर उसको वेजिटेबल सेल्यूलोस की कैप्सूल में डाल के आपके हाथ में थमा दिया 30 साल पहले। क्योंकि देखिए ये जितने भी टॉक्सिन्स आप जो देख रहे हैं आपको पता है कि वो टॉक्सिन्स आपके शरीर से कैसे निकलते हैं, जब आप सैकेराइड्स खाते हैं तब। और सैकेराइड्स कहाँ पाते हैं हम, पॉली सैकेराइड्स कहाँ पाते हैं, गैनोडर्मा में, ठीक है। तो जब ये हमारे शरीर में जाता है तो ये हमारे शरीर को एक तो स्वच्छ बनाता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, दूसरा वो क्या करता है, फर्स्ट स्कैनिंग, सेकेंड डिटॉक्स, थर्ड हार्मोनल बैलेंस। आरजीजीएल क्या, देखिए ये तो मेरे को आपको सिखाने का जरूरत ही नहीं है, आप सबको पता ही है राइट, डीएसएल के सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को। सबसे नेक्स्ट ये हार्मोनल बैलेंस देता है, फिर सेल को रीजेनरेट करता है, और अगर आपने 3 महीने का प्रोटोकॉल लिया तो 45 डेज में आप क्या देखेंगे कि आपके शरीर में से टॉक्सिन्स निकलने लगेगा। कैसे कैसे निकलेगा, अलग अलग रूप में निकलेगा, ठीक है। कभी यूरिन के द्वारा निकलेगा, कभी पॉटी के द्वारा निकलेगा, कभी पसीना, कभी गेड, कभी कफ हो जाएगा, कभी किसी को स्किन पे रैश आ जाता है। ऐसा एलमेंट रिफ्लेक्शन के बारे में सुना है आपने, एलमेंट रिफ्लेक्शन इज अ पॉजिटिव साइन दैट योर बॉडी इज डिटॉक्सिंग, मतलब ये बॉडी का पॉजिटिव सिग्नल है कि आपके शरीर में से टॉक्सिन्स निकल रहे हैं। तो उस वक्त आपको घबराना नहीं है, पानी को बढ़ा देना है और शायद एक एक्टिवेटेड चारकोल भी ले लेना है ताकि टॉक्सिन आपके पॉटी के द्वारा बाहर निकल जाए। पानी बढ़ाने से यूरिन के द्वारा वो बाहर निकल जाएगा और फिर भी आरजीजीएल को बढ़ाते जाना है, कुछ समझे हाँ। तो आपको कितना आरजीजीएल लेने का है बताइए, योगी का प्रोग्राम देखा 10, क्यों आप 8 ले रही है जो 10 लेंगी सर 72 लेते हैं, आप कितना आरजीजीएल लेंगे, कितना आरजीजीएल लेंगे। देखिए आरजीजीएल कैसे शुरू करते हैं गैलोथेरेपी की बुक में, हाँ सिंपल है, एक जोड़ी आरजीजीएल से शुरू करना है, ठीक है। फिर हर हफ्ते अपनी जोड़ी बढ़ाते हुए जाना है, धीरे 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 हर हफ्ते अपनी एक 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 जोड़ी बढ़ाते हुए जाना है। दो दो जोड़ियां भी बढ़ा सकते हैं, पानी ज्यादा पीना है और एक्टिवेटेड चारकोल साथ में लेना है। ये चीज हम आपको आपके प्रोटोकॉल में बताएंगे। आपके शरीर, आपका लाइफस्टाइल, आपका टाइमिंग एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है, आप सबका लाइफस्टाइल अलग है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, आपकी टाइमिंग अलग है, आपकी जीने की जिंदगी, यहाँ पे इंडिया में हम सब एक जैसा जीवन नहीं जीते हैं, सब अलग अलग टाइप का जीवन जीते हैं राइट। यही खासियत है ना, डाइवर्सिटी है ना हमारी इंडिया की। तो सबके जीवन के हिसाब से आपका प्रोटोकॉल इंडिविजुअली बनेगा, मतलब आपके जो टाइमिंग्स है उसके हिसाब से आपका प्रोटोकॉल बनेगा, आपका जो लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट की क्वांटिटीज बताई जाएगी कि कितना आरजीजीएल आपको लेना है, कितना स्पिरुलिना लेना है, किस तरह से डिटॉक्स करना है, ठीक है। तो और क्या क्या बताया जाए, और तो ये सारे प्रोडक्ट्स है जो हम आपको आपके प्रोटोकॉल में देते हैं। सबसे पहले हम आपको कॉफी देते हैं या चाय देते हैं ताकि आप इसका डिटॉक्स का पानी बना सके और अपने शरीर को डिटॉक्स कर सके। वर्जिन कोकोनट ऑयल जो कि बहुत जरूरी है, यानी कि इसमें एमसीटी है, जिससे मतलब जिनको वजन कम करना है उनको हम सुबह सुबह वर्जिन कोकोनट ऑयल लेने को कह रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा अजीब या अटपटा लग रहा होगा लेकिन वर्जिन कोकोनट ऑयल लेकर ही मैंने अपना वेट लॉस किया है, वर्जिन कोकोनट ऑयल लेकर ही योगी ने अपना वेट लॉस किया है। क्योंकि वर्जिन कोकोनट ऑयल ही जब आप सुबह लेते हैं तो आपकी बॉडी को वो ट्रेनिंग मिलती है कि उसको फैट बर्निंग करना है, ठीक है। साथ ही में हम आपको डिटॉक्स का पानी पीने के लिए कहते हैं सुबह के वक्त, और आपको आरजीजीएल स्पिरुलिना जैसे प्रोडक्ट्स आपके लाइफ में बिल टाइमिंग दे देते हैं कि आपको कितनी मात्रा में क्या लेना है, डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, ठीक है। तो कितने लोग यहाँ पे 3 महीने का प्रोटोकॉल लेने के लिए तैयार हैं, सभी ऑलमोस्ट, अरे वाह, बिग हैंड फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये 3 महीने का प्रोटोकॉल लेना है तो आपको बस केवल अपना इन्फॉर्मेशन हमें दे देना है, क्योंकि आपका चार्ट अलग होगा लेकिन आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंच सके इसके लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। स्कैन करते ही गूगल फॉर्म खुलेगा, गूगल फॉर्म में आप अपनी इन्फॉर्मेशन दीजिए, आपका हाइट वेट क्या है, आपका लाइफस्टाइल में मतलब कितने बजे उठते हैं, कितने बजे खाते हैं, कितने बजे पीते हैं और क्या क्या खाते हैं, क्या क्या पीते हैं,
और क्या क्या आपको हेल्थ इश्यूज है, सब कुछ अच्छे से बताइएगा प्लीज। और लिंक भी आपको, हाँ लिंक भी आपको इस गूगल फॉर्म का आपके लीडर्स आपको दे देंगे, या फिर आप हेमंत जी से ले सकते हैं। तो गूगल फॉर्म को आप स्कैन कर लें क्यूआर कोड, और अपना सारा इन्फॉर्मेशन हमें दे दें। और जैसे ही आप हमें अपना इन्फॉर्मेशन देंगे, एक या दो दिन में आपको अपने 3 महीने का प्रोटोकॉल मिल जाएगा। प्रोडक्ट्स तो आपको पता ही है कि कहाँ मिलते हैं, आपको बस प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रोडक्ट्स को अंदर डालना है और अपने बिफोर टेकिंग प्रोटोकॉल। आप सबको जो लोग यहाँ पे चैलेंज लेने के लिए रेडी है, अपना एक बिफोर फोटो ले लें कि जैसे कि आप आज दिख रहे हैं, क्योंकि 3 महीने में आप वैसे दिखने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपना एक बिफोर फोटो ले लें और पब्लिकली चैलेंज कर दे सबको कि आप BXN का प्रोटोकॉल लेने वाली हैं, और वो लोग आपको सपोर्ट करें, ताकि लोग आपको सपोर्ट कर सके और आपके फ्रेंड्स आपको वो मोटिवेशन दे सके। आपको बस इतना करना है कि प्रोडक्ट्स टाइम से खा लेना है, या ओके इजी है। कोई डाइट चेंज नहीं होगा, कोई एक्सरसाइज रूटीन चेंज नहीं होगा। आप जो भी डाइट कर रही हैं करिए, आप जो भी एक्सरसाइज रूटीन पे है वो भी आप कंटिन्यू करें, उसको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। केवल BXN के प्रोडक्ट्स आपको टाइम से लेने हैं, हो सकता है ये? यस। कितने सारी टेस्टिमोनियल्स, आई वांट मैक्सिमम टेस्टिमोनी फ्रॉम मुंबई, ऑलराइट, आई वांट मैक्सिमम टेस्टिमोनी फ्रॉम मुंबई। तो सारे मुंबई के डिस्ट्रीब्यूटर्स रेडी हो जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा बिजनेस, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मार्केट है। मुंबई इज अ बिग मार्केट गाइस, इट्स अ सिटी आफ्टर ऑल, इट्स नॉट, ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे किसी स्मॉल सिटी में या किसी स्मॉल टाउन में हैं। यहाँ पे हर कोई इसके लिए एक निवारण ढूंढ रहा है, और RGGL से बेटर निवारण नहीं है, क्योंकि ज्ञानोधर्मा आपके शरीर को ना केवल पतला बना रहा है। हफ्ते जूम प्रोग्राम होता है BXN RBC के तरफ से, मैं और योगी इस प्रोग्राम को चलाते हैं, जो मैंने आज आपको दिखाया वो मैं उसको विस्तार में 1 घंटे तक लेती हूँ, लास्ट में क्वेश्चंस भी लेती हूँ। तो अपने कंज्यूमर्स के साथ आइएगा अगली बार जब आप जूम प्रोग्राम पे आएंगी, अपने कंज्यूमर्स के साथ आइएगा, ताकि हम उनको बताएंगे कि उनको प्रोटोकॉल में क्या प्रोडक्ट्स लेने हैं, और उनके हाथ में प्रोडक्ट्स आप थमाएंगे। या यस ओके, थैंक यू सो मच गाइस।